है एवरीवन, दिस इज शिल्पी एंड वेलकम अगेन टू द शिल्पी माइक्रोवेव कुकिंग। आज मैं आपको बताऊंगी माइक्रोवेव में हम यमीज के पिज़्ज़ा पॉकेट्स कैसे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं, मैंने यमीज का ये पिज़्ज़ा पॉकेट ले रखा है जो ऑलरेडी बना बनाया आता है। इसको हमें सिर्फ कन्विक्शन मोड पर बेक करना है। वो कैसे बेक हम कर सकते हैं वो मैं आपको आज बताती हूँ। तो यहाँ मैंने लिए हैं रॉ, जो मार्केट में बने बनाए आते हैं पिज़्ज़ा पॉकेट्स। तो यहाँ मैं कुक मोड में जाऊंगी, इसको हम प्रेस करेंगे। ये हमारा माइक्रो मोड है। कुक मोड को एक बार और प्रेस करेंगे तो यहाँ हमारा ग्रिल मोड आ गया। एक बार और प्रेस किया तो ये कन्विक्शन मोड आ गया। अब हमने कन्विक्शन को 200 डिग्री सेल्सियस पर सेट कर दिया प्रीहीटिंग मोड पर, और दो बार हमने स्टार्ट का बटन पुश कर दिया। पिज़्ज़ा पॉकेट्स को तवे के ऊपर सेट किया हुआ है और साथ में लिया हुआ है लो रैक। कन्विक्शन मोड पर हम ऑलरेडी जो भी चीज़ बनाते हैं उसके लिए लो रैक का यूज़ करते हैं, जिससे कि बेकिंग अच्छे से हो जाए। अब हम इसमें टाइमिंग सेट करेंगे 8 मिनट का। तो आप देख रहे हैं टाइमिंग ओवर हो चुका है, इसको हम निकाल लेते हैं। जैसे कि पहले मैंने इसको लो रैक पे सेट किया हुआ था बेकिंग के लिए, अब मैं इसको हाई रैक पर शिफ्ट कर दूंगी। तो यहाँ मैंने इसको हाई रैक पर शिफ्ट कर दिया है और मैं ग्रिल मोड पर टाइमिंग सेलेक्ट करूँगी। कुक मोड में हम गए, एक बार और कुक मोड प्रेस किया, ग्रिल मोड आ गया। देन हमने टाइमिंग लगाया 8 मिनट का, देन स्टार्ट। इसमें आप देख रहे हैं मैंने बिल्कुल भी ऑयल का यूज़ नहीं किया है। जब भी हम मार्केट में यमीज के या मकैन के जो भी चीज़ इसमें फ्राई करते हैं तो उसमें बिल्कुल आपको ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर आप घर के कोई भी आइटम्स बना रहे हैं तो उसमें आपको हल्की सी ऑयल की ब्रशिंग करनी पड़ सकती है। अब जैसे कि मैंने जो यहाँ पर 8 मिनट का टाइमिंग लगाया था, मैं एक बार बीच में इसको ओपन करके चेक कर लेती हूँ और इसको एक बार टर्न कर लेते हैं, जैसे कि एक साइड से जल ना जाए और दूसरी साइड से भी कवर हो जाए। इसको हमने टर्न कर लिया है और रिमेनिंग टाइम पर हम इसे सेट कर देंगे। टाइमिंग ओवर हो चुका है, तो यहाँ हमारे पिज़्ज़ा पॉकेट्स बन के रेडी हो चुके हैं। अब इनकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ हमने इसकी प्रेजेंटेशन तैयार कर ली है। इस तरीके से आप अपने घर में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने कमेंट्स मेरे चैनल पर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।